ड्राइंग आज बना रहे हैं हम, है ना। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना कोऑर्डिनेट दिए हुए, 1, 1 ये कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट ऐसे ही 4.1, 1 ये कोऑर्डिनेट है, ये 4.5, 2.2 ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करता हूँ, सीधे यहाँ से जाता हूँ पॉइंट में, और ये मल्टी पॉइंट आ रहा है क्लिक, और पॉइंट में जाके यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट डाल दो, ये 1, 1 और एंटर। 1, 1 पे चला गया होगा, फिर दूसरा है 4.1, फिर कॉमा, कॉमा लगाने से क्या होगा, लॉक हो जाएगा ये, और दूसरा है 1 और फिर एंटर, सेकंड पॉइंट गया। तीसरा पॉइंट है 4.5, कॉमा लॉक होगी पहली वैल्यू, दूसरी 2.2 और एंटर। अब इसे मैं स्केप करता हूँ और करता हूँ जेड एंटर, ई एंटर, तो इससे क्या होगा, ये पॉइंट जो है मेरे सामने फिट होके आ गए, ठीक है। और ये कुछ ज़्यादा बड़े से दिखाई दे रहे हैं, खैर मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ और लाइन लेके जूम करके देखेंगे तो मेरे दिखाई देगा। ये रहा एक पहला पॉइंट ये था, ये यहाँ से मैंने क्लिक किया, और दूसरा पॉइंट ये जोड़, और तीसरा पॉइंट कौन सा था, ये वाला। जैसे ही आप इस पर लेके जाऊँगा ना, ये साइज़ हम छोटा कर सकते हैं, उसके लिए मेरे पास है ऑप्शन, यहाँ से ऑर्थो बंद कर दिया, और ये रहा, ठीक है जी। अब इसके आगे मुझे क्या करना है, जब आगे आपको लाइन चाहिए तो यहाँ से आगे लाइन है 2.3 की, तो 2.3 ऑर्थो ऑन कर रखा है तो डाल ही सकते हो, नहीं तो मैंने 2.3 ये लिख दिया और एंटर। अब इसके आगे कैसे करना है वो है थोड़ा सा तरीका। अब इसके आगे है हमारे पास 1.4 की लाइन और 150 का एंगल, जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से देखना हमें, तो पहले आप शिफ्ट के साथ ऐट द रेट दबाइए, ऐट द रेट हो जाएगा, से लेता हूँ ताकि सही से दिखाई दे जाए, अभी दिखाई नहीं दिया। यहाँ से क्लिक किया इस वाले पॉइंट पे, यहाँ से स्टार्ट करना है और ऊपर जाता हूँ, शिफ्ट के साथ ऐट द रेट लगा हुआ आ गया है। अब डिस्टेंस है 1.4 की, और फिर जो एंगल बना हुआ रहा है ये, है ना, ये ग्रेटर देन वाला ये लगाया हमने, और एंगल बैठेगा 180 माइनस 180। इसी शिफ्ट के साथ ये ग्रेटर देन वाला और एंटर। फिर ऊपर के लिए कितना चाहिए, शिफ्ट के साथ ऐट द रेट, एंगल 90 का, और फिर शिफ्ट के साथ दोबारा से यही जो आइकन है बना हुआ रहा ना, बिल्कुल यही वाला ही बनाना है ना, ग्रेटर देन वाला और एंगल 90 का, ठीक है। ये 90 और 90 दो बार 90 आ गया है ना, तो ये गड़बड़ हो गया। डिस्टेंस आएगी 2.1 और फिर एंगल है 90 का, ऊपर चला गया। अब फिर यहाँ से इधर की तरफ जाना है, शिफ्ट शिफ्ट के साथ ऐट द रेट 1.6 हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे इधर की तरफ चलना है, शिफ्ट के साथ ऐट द रेट 1.3 और नहीं इधर की तरफ 180, ठीक है जी। अब नीचे की तरफ है 270 का एंगल लगेगा, शिफ्ट ऐट द रेट 1.4। ये आपको पता कब काम आएगा, जब कहीं ऐसी एंगल पर दे रखी होगी और कैलकुलेट करना या बनाने में बहुत दिक्कत हो रही होगी, तब ये कोऑर्डिनेट वाला काम आएगा, और एंगल है 270 का। फिर शिफ्ट के साथ ऐट द रेट 2.2 और
मिल कितने रुपए है? 90 + 40 = 135 है ना? जाके इस पहले वाला पॉइंट पे जाके